हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। दोस्तों, करीब एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था स्किन क्राफ्ट हेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर। कुछ स्किन क्राफ्ट के हेयर प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया था और उसका मैंने एक रिव्यू बनाया था। करीब 2 मंथ्स तक या फिर 1 महीने तक मैंने ये रिव्यू आपके साथ शेयर किया, लेकिन उसके बाद मैंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। एंड काफ़ी सारे व्यूअर्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कमेंट्स में कि आपको कैसा फील हो रहा है, अभी कितने ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र आए हैं, या फिर स्किन हेयर ग्रोथ जो सीरम आता है उसके बारे में भी बताइए। इस तरह के कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए मैं इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी आज। और ये वीडियो मुझे बहुत पहले ही बनाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से बना नहीं पाई। लॉकडाउन के वजह से मुझे प्रोडक्ट थोड़े से देर से मिलने लगे थे, या फिर काफ़ी सारे ऐसी बातें चल रही थी एक साथ, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना नहीं पाई। तो अल्टीमेटली ये वीडियो मैंने बनाया है, एंड इसके पीछे मेरा ये मकसद बिल्कुल ही नहीं है कि किसी ब्रांड को मैं प्रमोट करूँ या फिर उसको बदनाम करूँ। एज ए कस्टमर जो मेरा जेन्युइन जो रिव्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि स्किन क्राफ्ट है क्या। स्किन क्राफ्ट एक्चुअली एक ऐसा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, जो अपने कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, स्पेशलिस्ट जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, या फिर इस तरह के कि लोगों के साथ मिलके वो कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी 2020 के फरवरी में ये प्रोडक्ट्स मंगवाया था। करीब 6 मंथ्स तक मैंने उसे यूज़ किया है, मतलब कि 3 पैकेट मैंने मंगवाया था। तो पहला जो पैकेट आया था वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो मेरे हेयर के प्रॉब्लम्स थे वो थे डैंड्रफ, फ्रिजी हेयर, और मेरा जो ग्रोथ है वो हेयर ग्रोथ है बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी लिए मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। तो पहला पैकेट जब आया तब तो मुझे अच्छा ही लगा। डैंड्रफ की प्रॉब्लम की बात तब नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा डैंड्रफ हमेशा ही मॉनसून में स्टार्ट होता है, तो मॉनसून तब तक आया नहीं था, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रोडक्ट ख़राब नहीं लगा था। और प्लस वो पैराबिन फ्री थी, मतलब कि कोई भी टाइप के केमिकल फ्री प्रोडक्ट था, तो इसी वजह से मैंने उसे यूज़ करना स्टार्ट किया था। उसके बाद जब फर्स्ट पैकेट ख़त्म हुआ तो सेकंड पैकेट मैंने ऑर्डर किया, एंड तब तक ये मॉनसून आ चुका था। एंड सेकंड पैकेट यूज़ करने के बाद मुझे, मतलब कि मेरा डैंड्रफ नहीं निकल रहा था। हो सकता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा माइल्ड था, इसीलिए डैंड्रफ पे काम नहीं कर रहा था। एंड इसी वजह से मैंने उनको एक फिर से क्वेरी भेजी और रिक्वेस्ट किया कि मेरे प्रोडक्ट को रिन्यू करे। तो उसके बाद उन लोगों ने रिन्यू करके मुझे एक नया पैकेट दिया और उसके साथ इंस्ट्रक्शन दी कि मैं अपने हेयर वॉश रोज़ करूँ या फिर अल्टरनेट डे पे करूँ। पहले मैंने ऐसा नहीं किया था, तो ठीक है, मैंने वो भी किया था। और साथ ही में मुझे ये सीरम मिला था, ये हेयर ग्रोथ का सीरम आता है, इसके साथ हेयर ग्रोथ का सीरम दिया था उन लोगों ने मुझे, तो उसे भी यूज़ करने के लिए बोला था। एंड मैंने फिर अपना रेगुलर हेयर वॉश करना स्टार्ट किया और ये हेयर ग्रोथ सीरम भी यूज़ करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद मेरा एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, वो है हेयर फॉल का। मे भी रेगुलर शैम्पू यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है। और उसके बाद देखा कि मैं धीरे धीरे मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बेसिकली डैंड्रफ की वजह से हो रहा था और रेगुलर हेयर वॉश के वजह से भी हो रहा था शायद। एंड उसी के वजह से मैंने 15 दिन मैंने उसे यूज़ किया और उसके बाद मैंने उसे यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। साथ ही साथ मैंने सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर दिया, साथ मुझे अपने बाल भी कटवाने पड़े। तो मेरा एक्सपीरियंस यही था स्किन क्राफ्ट को लेके। हो सकता है आप पे ये काम करे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पे ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आप उसे एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप उस सब्सक्रिप्शन को आप कैंसिल भी कर सकते हैं।
मेरे पे काम नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं कि आप पे भी काम नहीं करे, इसे बिकॉज मेरा ये हेयर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही है। हो सकता है आप पे काम करे, तो इसीलिए कोशिश करें आप एक बार उसे यूज़ करने की। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को। लेकिन जो ये वीडियोस में दिखाते हैं फेसबुक वगैरह में, कुछ रियल कस्टमर्स के रिव्यूज़ लेते हैं, ऐसे ऐसे गालों को मतलब घिस के दिखाते हैं कि कोई भी तरह की मेकअप नहीं है, नो मेकअप करके दिखाते हैं, या फिर पूरा बाल इस तरह से लंबे बाल दिखाते हैं, तो इस तरह के की उम्मीद मत पालिएगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता है। एक्चुअली में बहुत लोगों का जो ओरिजिनली जिनके हेयर बहुत अच्छे हैं उनके साथ ये हो सकता है, या फिर स्किन के साथ। उसके साथ साथ मैंने कुछ स्किन प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर किया था, वो भी प्रोडक्ट बुरे नहीं थे, लेकिन ये भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आया। अभी मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स चेंज करने के बाद और काफ़ी सारे होम रेमेडीज़ के बाद अपने हेयर को थोड़ा सा एक यू नो लेंथ देने की कोशिश कर रही हूँ। और रिसेंटली मैंने स्विच किया है ममा अर्थ में। ममा अर्थ की रिव्यू भी मैं बहुत ही जल्द लेके आने वाली हूँ, लेकिन अचानक से अगर मैं ममा अर्थ के ऊपर वीडियो बनाने लगी तो आप भी मुझे पूछोगे कि आप तो स्किन क्राफ्ट यूज़ कर रहे थे, ये वीडियो पहले बना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बट ममा अर्थ यूज़ करना भी मुझे सिर्फ एक ही महीना हुआ है और किसी प्रोडक्ट को समझने में थोड़ा सा वर्क लगता है, तो उसका वीडियो मैं बाद में आपके लिए लेके आने वाली हूँ। और बहुत व्यूअर्स ये पूछते हैं कि ये सीरम कैसा है, ये जो हेयर ग्रोथ जो सीरम आता है, तो इसे आई थिंक वॉश करने के बाद लगाया जाता है हेयर पे, एंड ये भी ठीक था, लेकिन ये बुरा नहीं था। ये इससे काम हो रहा था, हेयर ग्रोथ कितना बढ़ रहा उतना तो पता नहीं, लेकिन हाँ हेयर फॉल थोड़ा सा कम हो रहा था। तो ये था मेरा एक जेन्युइन रिव्यू हेयर प्रोडक्ट को लेके, तो स्किन क्राफ्ट के हेयर प्रोडक्ट को लेके, इसे मैंने अभी यूज़ करना बंद कर दिया है। सो होप यू लाइक माई टूडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।